जेंटलमैन में आपका स्वागत है हमारे गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:04 इन द मॉर्निंग एंड इट्स 8 अप्रैल मंडे मॉर्निंग। एकदम सनी सनी सी मॉर्निंग है। ये कबूतर को देखते हुए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये कबूतर उड़ जा, उड़ ही नहीं रहे बंदा, डर नाम की चीज़। मुंबई में कोई नहीं डरता है किसी से, ऐसी हालत है। अपने रिवाइव का तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट हमारे कॉलेज से चालू है। पर हम लोग की एग्ज़ाम अभी बहुत ज़्यादा पास होने वाली है, तो उसकी तैयारी अभी हम लोग को स्टार्ट करनी पड़ेगी। और इन लोगों ने लेक्चर रखा है, ज्वाइन कौन कौन करने वाला है मालूम नहीं, बट इट्स ओके, देखा जाएगा। सो दिन की शुरुआत करते हैं एकदम कड़क। चलो रिवाइव के डिजिटल आर्ट्स वाले बंदे, अभी जग सुना सुना लग रहा है, बहुत ज़्यादा जग सुना सुना लग रहा है बंदे को, क्योंकि अभी ख़त्म हो चुका है रिवाइव। अकेला बन हमको कौन बचाएगा, हमको कौन छुट्टी देगा, हम लोग कैसे लेक्चर में से भागेंगे। अभी अभी रिवाइव करने का टाइम आ गया हम लोग को, अभी कौन रिवाइव करने के लिए कोई नहीं, कौन सी रिवाइव नहीं है। सुख दुख में हम लोग के शामिल हो जाओ ब्लॉग देख के, मजा आएगा। कॉलेज हो गया है और बीडू लोग जा रहे हैं गाँव को, गाँव को ले जा, घर को जा रहे हैं। शेर नहीं कूदने का भाई, भाई बहुत चांस है जिंदगी में, और कोई और भी मिल जाएंगे। हाँ नीचे नहीं पढ़ने का अपने को भाई, सुसाइड कर रहे हैं कापा, सुसाइड कर रहे हैं। हवा खाने के लिए ऐसा कुछ गलत नहीं है तुम्हारा तरीका। कॉलेज में जरा हवा कम आ रही है, देख लो ब्रो, ब्लॉग देखते हो तो ये भी देख लो, हवा कम आ रही है। बच्चे कूद रहे हैं हवा कम। देख लो भाई ब्लॉग्स देख लो। पंखा लगा दो, यहाँ पे एक पंखा आने वाला था, पंखा नीचे करवा दो, वो खड़ा रहने वाला पंखा कुछ तो बोल रहे थे प्लीज। शेर भागने की कोशिश में पूरे पूरे, वो छोड़ अपना वो हो गया आतन में क्या क्या। ये शेर ने लिखा हुआ, ये शेर के लिए शायरी था। झूठ मत, सुअर आते मुन्ना, शंतनु अकेला आता है। तुम्हें पढ़ ले भाई। वो वेलकम बैक टू माय होम। हम लोग घर पे आ गए थे शाम को एंड एक चीज़ बड़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हमारा रिवाइव बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत 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 प्यार से, अंदर से, मन के अंदर से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं रिवाइव को। भाई कहाँ गए और कब आओगे वापस, ऐसी हालत हो चुकी हमारी। एंड क्या ही बोले, बहुत बहुत ज़्यादा मिस, बहुत ज़्यादा मिस। इतनी तो मैंने अपने किसी को मिस नहीं किया, बट इसमें बहुत मिस कर रहे, अपने टीम को मिस कर रहा हूँ, अपने जो प्रोग्राम्स के मेंबर्स है उनको मिस कर रहा हूँ। बहुत ऐसे मिसिंग वाला सीन चल रहा है। मतलब 1.5-2 महीने से ये काम चल रहा था कि भाई रिवाइव है, रिवाइव का कुछ तो हम लोग प्रिपरेशन करना है एंड ऑल सब कुछ ऐसे चल रहा था, मज़ा आ रहा था। बट क्या है अब भी है ना, क्या ही बोले। चल ठीक है, इट्स ओके, अगली बार जरूर आएगा, वापस आएगा रिवाइव। दिसंबर जनवरी से फिर से चालू हो जाएगा और उसमें हम लोग फिर से मजा करने के लिए उतर जाएंगे। उधर नहीं, उतरना ही पड़ेगा क्योंकि आगे अपने को बहुत कुछ नया करना है और मज़ेदार करना है रिवाइव में, जो एक एनर्जी लाएगा हम लोग के अंदर, वो तो है। मैंने ज़्यादा ही नहीं किया। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट सी, देखो हमने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे फंक्शन किए, बट एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ जो मुझे बोलनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में से लग रही है और वो मुझे बोलनी चाहिए ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो हम लोग के जो रिवाइव के CS थे, चीफ सेक्रेटरी अजलान शेख, मिस्टर अजलान शेख,
आई वुड लाइक टू थैंक यू दैट गाय, लविंग गाय, एंड वो जो है ना काइंड हार्ट जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट मीट में हम लोग को एक्सपीरियंस हुआ, दैट वॉज अमेजिंग. एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस अ चांस फॉर ट्रेडिशनल डे. जो हम लोग ने डिपा हमारे जो डिपार्टमेंट है उसने हमारे को खड्डे में डाला, बट तुमने हमारे को सहारा दिया. ये भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे. ये हमारे जिंदगी के हर एक पन्ने पे, मतलब हर एक पन्ने पे, हर एक पन्ने पे नहीं, हमारे के हमारे जिंदगी एक पन्ने पे आपका नाम जरूर रहेगा कि एक बंदा था और उसने हमको बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. और मन से थैंक यू बोलने का मन करता है ऐसे बंदों को, ऐसे मन से रिस्पेक्ट आती है. और थैंक यू वेरी मच अजलान भाई. हम लोग आपको मिलने वाले हैं एक्चुअली, बट वी आर प्लानिंग कि हम जो है हमारे डिपार्टमेंट के जो सारे मेंबर्स वो आपको मिले. अभी देखेंगे कब प्लान हो रहा है वगैरह. बट कितना मज़ा आता है जब चीज़ें एकदम स्मूथ चलती है और ऐसे हेल्पिंग गाइस होते हैं आपके साथ. मतलब अच्छा लगता है ज़िंदगी में ऐसे लोगों के आसपास रहो, बहुत अच्छे रहोगे, तरक्की करोगे. एंड दोज गाइस ऑन दैट पोजिशन ऐसे ही नहीं बोझे, उनकी मेहनत भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार, और उनकी मेहनत के पीछे भी बहुत सारे सपने होंगे, रातें होंगी जो उन्होंने लगाए थे उस टाइम, तब भी वो पोजीशन पे है. वेरी मच हार्टफुल रिस्पेक्ट टू अजलान भाई, थैंक यू वेरी मच. इतना टाइम मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपने हमको टाइम दिया है इतना, नहीं तो एक्चुअली हम हमारे डिपार्टमेंट को रखते ही नहीं है जगह पे. वैसे तो आपको मैं मिलूंगा तभी आपको सारे स्टोरी बता दूंगा, क्योंकि अभी ब्लॉग में नहीं बता सकता, क्योंकि इसके पहले भी एक प्रॉब्लम हो चुका था, उसके वजह से मैं बता नहीं सकता. अगर कोई देख रहा है कमेटी मेंबर रिवाइव का, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अजलान भाई. मैंने खुद ने भी ये शेयर किया है, बट आप भी शेयर करोगे मज़ा आएगा हमको भी, और उनको थैंक यू मिल जाएगा हमारा. मेरे पैर को लग गया, इतने जोर से मेरे पैर को चेयर लगी नहीं है, मैं बता नहीं सकता. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे अभी तो सारे काम खत्म हो चुके हैं. स्पेशली माय गॉड, पूरे ब्लॉग में बोल रहा हूँ मैं रिवाइव को बहुत मिस कर रहा हूँ. कब आओगे वापस, ऐसे वाला सीन चल रहा. बट हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं पास में, बहुत ज़्यादा टाइम उसको देना पड़ेगा अभी फिर से. अभी हुए एग्जाम, अभी बोलोगे कि भाई अभी तो एग्जाम, फिर से कैसे चल रहे हैं आपके, बट चलते ही रहते हैं. इसके पहले जो ब्लॉग आया था वो मेरे लाइफ का 25 मिनट्स का बड़ा ब्लॉग था. वी एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट कि हमारे रिवाइव में कैसे चलता है सब कुछ, कितना मज़ा आता है और कितने लोग एक्स्ट्रा आ सकते हैं बाहर. अब इन द नवी मुंबई आप कोई भी कॉलेज में हो, आप रिवाइव को ज्वाइन कर सकते हो. ये मैसेज मेरा इसके पहले ही मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देख रहे हो अगले साल में या उसके बाद, आप जाके वो ज्वाइन कर सकते हो. कभी भी कौन से भी कॉलेज के हो सकते हो, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी, इन सेंस कोई भी कर सकता है, जाके बस एंट्री करना है, इतना ही बस. अभी सोच रहा हूँ कि ब्लॉग को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मेरे पास अभी बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है. मैं बाकी सब स्टोरीज में आपको बताऊंगा. इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एक स्टोरी मैं बताने वाला हूँ, वो थी हमारे ट्रेडिशनल डे की, वो मैं बताऊंगा अजलान भाई को, उसमें भी थैंक यू बोलूंगा, ज़रूर बोलूंगा. एंड चलो निकलते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, नए इसका. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कल ब्लॉग आ जाएगा, एक्चुअली आज जो बन रहा है ना ये ब्लॉग, ये तो कल आने ही वाला है. बट क्या है, आज का ब्लॉग भी कल आएगा, क्योंकि इट्स 17 GB का वो ब्लॉग है, और उसके वजह से है ना वो अपलोड करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, नए जिसके साथ. नए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जाके हमारे पुराने वाले ब्लॉग्स देखो, मजा आएगा और मस्ती करते रहो. चलो मैं मिलता हूँ कल, बाय बाय.